और किसी के घर का खेल अच्छा चल रहा है तो उसको बिगाड़ने के लिए किसी को बहकाओ भी मत, इसमें बहुत पाप लगता है। कम से कम सुख शांति से रोटी धोती उनकी चल रही है, चल ले तो। हम उनको हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन उनके आपसी संबंध रिश्ते मधुरता को क्यों बिगाड़े, आनंद से रहने दो। कितने लोगों को बड़ा मजा आता है दूसरों का नुकसान करने में। और याद रखना, जो दूसरों का नुकसान करता है उसका नुकसान तो अपने आप हो जाता है, दूसरों को परेशान करने की कोशिश करता है वो खुद ही परेशान रहता है। दूसरों का जो बिस्तर छीनता है उसका विश्राम छीन जाता है, दूसरों की जो रोटी छीन लेता है उसकी भूख छीन जाती है, और दूसरों का जो धन छीन लेता है तो याद रखना उसको दुनिया में कहीं धन्यवाद नहीं मिलता है। इसलिए किसी को परेशान मत कीजिए, सबको सुख बांटो तो आपको भी सुख मिलता रहेगा। चार वेद छह शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख दीन है सुख होत है, दुख दीन है दुख होए। गौर करना, शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, नेकी का बदला नेक है, बदी का बदला बदी देख ले। आप जिन हाथों से शक्कर बांटते हो, पिरून हाथ की उंगलियों को तुम चाटते हो तो उंगलियों से मिठास लगती कि नहीं, लेकिन जिस हाथ की उंगलियों से तुम मिर्चा पाउडर का बांटो और फिर उसको चाटो तो तुम्हें कड़वाहट लगेगी। तुमने बांटा है लेकिन बाद को चाटा है तो भी उसका टेस्ट आता है। इस दुनिया में अगर सुख बांटोगे तो सुख का टेस्ट आपको भी मिलेगा, दुख बांटोगे तो दुख का टेस्ट मिलेगा। आप सेंट दूसरों पर छिड़को तो तुम खुद ऐसे ही महकने लग जाओगे, और दूसरों के ऊपर तुम कीचड़ फेंको तो तुम्हारे हाथों में तो पहले ही लग जाएगा। इसलिए दूसरों को वही दीजिए जो तुम पाना चाहते हो। और याद रखना, इस प्रकृति का शाश्वत नियम है, जो दूसरों को देना चाहते हो वो प्रकृति तुमको स्टॉक के रूप में देती है। आप आज ही संकल्प लेकर देखो कि मैं दानी बनकर जीऊंगा, तो कुदरत की ऐसी व्यवस्था है कि आपको दान करने योग्य प्रकृति बना देगी। तुमको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से पैसा आ गया, कहाँ से व्यवस्था बन गई है, और तुम सब कर सकोगे। गुजरात में एक भजन गाते हैं, कड़ी तुमड़ी का भजन है, गा दूं आपकी इजाजत हो, गुजराती भाषा गा देता हूं। हाँ, दूसरे की भाषा अच्छी लगती है अपने। लौकी जो होती है दो प्रकार की होती है, एक कड़वा लौकी एक मीठी लौकी। और लौकी जब सूख जाती है और उसमें पानी रखने लायक बनाते हैं तो उसको तुमड़ी कहते हैं, तुमड़ी का कमंडल। तो जो लौकी थी कड़वा लौकी, उसकी कहानी है गुजराती भाषा में। गुजराती भाषा भी बहुत मजेदार भाषा है। गुजराती भाषा में जैसे रास्ता पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे, ऐसे पूछेंगे, शाहपुर उसरी जावा माटे रस्तो कोण छे, तमारू नाम शू छे, तमे शू करवानू छे, वहाँ की ये भाषा है। मैं उस भाषा को भी जानता हूँ, पढ़ता हूँ, बोलता हूँ और समझता भी हूँ, तो गुजराती भाषा सुनाता हूँ आपको। तो कड़ुई तुमड़ी की कथा है। कड़ुई तुमड़ी मीठा होना चाहती थी। कड़ुई तुमड़ी रे, कड़ुई तुमड़ी रे, तू तो हरि भजन कर ले, तू तो हरि भजन कर ले। कड़ुई तुमड़ी रे, कड़ुई तुमड़ी रे, तू तो हरि भजन कर ले, तू तो हरि भजन कर ले। कड़ुई तुमड़ी रे, कड़ुई तुमड़ी रे, तू तो हरि भजन कर ले, तू तो गुरु भजन कर ले। कड़ुई तुमड़ी से किसी ने कहा कि तू भी तो कुछ भजन कर ले तो मीठी हो जाए, तेरी कड़वाहट खत्म हो जाए। तो कड़ुई तुमड़ी क्या करती है, ये बात को सुन करके कड़ी तुमड़ी उठती है और काशी चली जाती है, प्रयाग जाती है, मथुरा जाती है, वृंदावन जाती है, अयोध्या जाती है। काशी गई थी मथुरा गई थी, काशी गई थी मथुरा गई थी। कड़ी तुमड़ी कह रही है कि मैं अपने को मीठा करने के लिए काशी भी गई थी और मथुरा भी गई थी,
तो पूछने वाले ने कहा तो मीठी हुई कि नहीं, तो फिर जवाब दे रही है, काशी गई थी मथुरा गई थी, काशी गई थी मथुरा गई थी, तो ये न मीठी थई कड़ुई तो मणि रे, तो हरि भजन कर ले, तू तो हरि भजन कर ले, तो ये न मीठी थई कड़ुई तो मणि रे, तू तो हरि भजन कर ले, तो हरि भजन कर ले। कड़ी तुमड़ी कहती है मैं काशी में गई और मथुरा में गई लेकिन मैं मीठी नहीं हुई, तब क्या करूं? बोले और देख लो ना, और भी तो है कहीं जगह। तो फिर वो कहती है कड़ी तुमड़ी, गंगा नाई जमुना नाई, गंगा नाई जमुना नाई, तो न पावन थई कड़ुई तो मणी रे, तू तो गुरु भजन कर ले, तू तो गुरु भजन कर ले। कड़ी तुमड़ी कहती है मैंने गंगा में भी स्नान किया, यमुना में स्नान किया, लेकिन मैं पवित्र नहीं हुई, मैं कड़ुई कड़ुई रही। तो फिर पूछने वाला कहता है कि और भी तो तीर्थ बचे, वहां चली जाना, सब ट्राई कर। तो फिर वो बोलती है कड़ी तुमड़ी, हरिद्वार गई थी, हरिद्वार गई थी अवेध्या गई थी, हरिद्वार गई थी अवेध्या गई थी, तो न मीठी थई कड़ुई तुमड़ी रे, तू तो हरि भजन कर ले। गाओ, तुम भी गाओ, ताली बजाओ, हरि भजन कर ले, कड़ुई तुमड़ी रे, तू तो हरि भजन कर ले, तू तो हरि भजन कर ले। कड़ी तोमड़ी ने कहा मैं अवेध्या में भी गई थी, सरयू में डुबकी लगा लिया, हरिद्वार में जाकर के भी दर्शन किया, लेकिन मिठास नहीं आई, कड़वाहट गई नहीं। तो पूछने वाले ने कहा कि एक जगह तो गई कि नहीं गई? बोले कहाँ? बोले संतों का दर्शन कर और सत्संग में जाकर डुबकी लगा। तो उस तोमड़ी ने कहा मैं वहां नहीं गई, कहा वहां देख ले जाकर। साधु जोया संतो जोया, साधु जोया संतो जोया, त्यारे तो मीठी थई कड़ुई तुमड़ी रे, तू तो हरि भजन कर ले, तू तो हरि भजन कर ले, त्यारे तो मीठी थई कड़ुई तुमड़ी। जय हो पत्रकार, तू तो हरि भजन कर ले, तू तो हरि भजन कर ले। साधु जोया संतो जोया, साधु जोया संतो जोया, त्यारे तो मीठी थई कड़ुई तुमड़ी रे, तू तो हरि भजन कर ले, तू तो हरि भजन कर ले, भजन कर ले, तू तो हरि भजन कर ले, तू तो हरि भजन कर ले, तू तो हरि भजन कर ले। ये कड़ुई तुमड़ी कौन है? भाइयों और बहनों, ये कड़ुई तुमड़ी कोई और नहीं है, ये तुम्हारी कड़ुई खोपड़ी ही कड़ुई तुमड़ी है। और ये कड़ुई खोपड़ी तुम मथुरा में घुमाते हो, हरिद्वार इसको ले जाते हो, गंगा में इसको डुबाते हो, नाक दबाकर डुबकी मारते हो, लेकिन इस कड़ुई खोपड़ी की कड़वाहट जाती नहीं है। इसके भीतर जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष की कड़वाहट भरी है वो मिटती नहीं, ये कड़ुई की कड़ुई ही रहती है। लेकिन जब कोई महान संत का दर्शन करते हो, कोई संत की वाणी सुनते हो, प्रवचन सुनते हो, तब ये कड़ुई खोपड़ी की कड़वाहट, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार की कड़वाहट खत्म हो जाती है। फिर दया क्षमा संतोष सरलता नम्रता की मिठास आ जाती है, तब ये कड़ुई खोपड़ी मीठी खोपड़ी हो जाती है, तब ये धन्य हो जाती है। ये
इस कड़वी खोपड़ी को कौन ठीक कर पाएगा। मध्य प्रदेश में एक सज्जन मिले तो कह रहे थे चारों धाम घूम कर आया हूं। तो मैंने कहा अकेले घूमे हो कि परिवार के साथ? बोले सपरिवार विद फैमिली। तुमने कहा कुछ मिला? तो उन्होंने कहा बद्रीनाथ में गया था तो वहां इतनी ठंडी थी कि खून ठंडा हो गया, लेकिन मेरी पत्नी का दिमाग वहां भी ठंडा नहीं हुआ, बड़ा गर्म रहा। उसे कौन ठंडा करे? बद्रीनाथ की ठंडी में खून ठंडा हो गया पर दिमाग ठंडा नहीं हुआ। बोले मेरी पत्नी ने वहां भी क्रोध किया, गुस्सा किया, वहां भी नाराज हो गए। तुमने कहा फिर? बोले चारों धाम घूमे पर शांति नहीं मिली। गुरुदेव याद रखना, तीर्थ में नहाने का अर्थ है कि आपके काम क्रोध लोभ मोह का मैल धुल जाए तो तीर्थ में नहाना सार्थक है। कितने लोग तीर्थ में स्नान करने जाते हैं, दूसरों का थैला चुरा लाते हैं, दूसरों का चप्पल चुरा लाते हैं। चुट्टापना गया नहीं तो वहां जाने से फायदा क्या? मैंने कहा फिर क्या किया आपने? तो उन्होंने बताया गुरुदेव टीवी चैनल में कथा भागवत प्रवचन सुनता था, अचानक एक दिन आपका प्रवचन आ रहा था पारिवारिक शांति के लिए, तो मैं 5 मिनट ही सुन पाया लास्ट में, तो मैंने वो टाइम नोट किया और अगले दिन फिर खोला उसी टाइम टीवी। तो मैं जब सुना तो मैंने सोचा कि अरे सत्संग तो चारों धाम है। तुलसीदास ने जो लिखा है वो सत्य लिखा है कि मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू, सुनी समझहीं जन मुदित मन मज्जहीं अति अनुराग, लहई चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। बहुत बड़ी बात है। बोले तब पता चला कि शिव जी ने स्कंद पुराण में भी कहा है गुरु भावा परम तीर्थम, गुरु के प्रति जो तुम्हारा प्रेम भाव है ये भी एक तीर्थ स्नान का फल देता है। परम तीर्थम गुरु भावा परम तीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम, और इस गुरु के प्रति जो प्रेम भाव है श्रद्धा भाव है इस तीर्थ के सामने अन्य तीर्थ छोटे हो। सर्व तीर्थमयम देवी श्री गुरोश चरणाम भुजम, हे पार्वती जी समस्त तीर्थों का फल श्री गुरुदेव के कमल रूपी चरणों में प्राप्त हो जाता है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। श्रद्धा की तीर्थ में डुबकी लगाओ, उनके प्रवचन की गंगा में नहाओ, सारा मैल धुल जाएगा और जीवन सुखी शांत हो जाएगा। करोड़ों लोगों के घरों का कलह कलेश खत्म हुआ है। संतोष भी कीजिए, स्वभाव में सरलता लाइए, वाणी में मधुरता घोलिए, व्यवहार में नम्रता रखिए, ईमानदारी वफादारी जिम्मेदारी से काम कीजिए, साहस और धैर्य बनाए रखिए, परिवार के सदस्यों से प्रेम भी कीजिए। प्रेम करने से प्रेम बढ़ता है, प्रेम कहीं बाजार में नहीं मिलता है, और प्रेम विहीन मनुष्य पशु पक्षी से भी गिरा गुजरा होता है। पशु पक्षियों के पास में भी प्रेम होता है, जो इंसान प्रेम न कर सके, प्रेम से रह न सके, प्रेम से जी न सके, प्रेम से भोजन न खा सके, प्रेम से बात न कर सके, अपने परिवार के सदस्यों से भी प्रेम न कर सके, उस इंसान से तो जानवर अच्छे हैं जो कम से कम अपने परिवार में प्रेम से रह लेते हैं। इसलिए प्रेम से जीना सीखो। कबीर कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, अगर प्रेम करना सीख गए तो तुमसे बड़ा कोई दूसरा पंडित नहीं। कितने घरों में लोग सुबह से लेकर शाम तक लड़ते रहते हैं छोटी छोटी बात को लेकर, कोई गम नहीं खाना चाहता है, घर को ही कुरुक्षेत्र महाभारत का युद्ध मैदान बना दिया है। तुम ही छोटे हो जाओ, लड़ाई बंद करो,
और जो दूसरों से अपने को छोटा मान लेता है वो सबसे बड़ा होता है। गम खाना ये जीवन की बहुत बड़ी विजय है, और अपनों की गम खाना कोई तौहीनी की बात नहीं है। और कहीं भी गम खाने वाले लोग, आपने सुना होगा शिशुपाल का जब जन्म हुआ तो शिशुपाल के शरीर में भुजा ज्यादा थी, तो आकाशवाणी हुई जिसके पास में जाने से इसकी भुजा खत्म हो जाएगी उसी के द्वारा ये मारा जाएगा। और शिशुपाल कृष्ण भगवान की बुआ जी का लड़का था, तो कृष्ण भगवान ने जब एक बार शिशुपाल को बचपन में गोद लिया तो इनके जो फालतू भुजा थी वो गायब हो गई। तो बुआ जी ने समझ लिया कि इसी के हाथ से मेरा बेटा मरेगा, तो बुआ जी ने कृष्ण से कहा कि तुम मत मारना मेरे बेटे को, इतना तुम वरदान दे दो। कृष्ण ने कहा कि मैं इसकी 99 गलती माफ करूंगा, जब 100 बार गलती करेगा तब इसकी भुजा को साफ कर दूंगा, तब मारूंगा इसको। तो शिशुपाल 99 गलती किया भगवान कृष्ण के साथ, बड़ी फोहड़ गाली देता था, भगवान का अपमान करता था। अगर आपको भी कोई फोहड़ गाली दे तो समझ लेना तुम कृष्ण भगवान हो, वो शिशुपाल का अवतार हुआ है, नालायक है, सुन लेना। और 99 बार माफ कर देना, परिवार का सदस्य है, रिश्तेदार है, तुम्हारी बुआ जी का लड़का है, मूर्ख है, लेकिन 100 बार, जब 100 बार का नंबर आए तब फिर उसके ऊपर वार करना, तब उसको समझाना। लेकिन 99 बार भगवान ने भी माफ किया था तो कम से कम 9 बार तुम भी माफ कर देना, लेकिन तुम तो एक बार भी माफ नहीं करते, पहली बार हम साफ कर देते। माफ भी करो, माफ करने वाला ही भगवान होता है, वही महान होता है। शिव जी का धनुष जनकपुर में राम के हाथों से टूट गया, परशुराम बहुत क्रोधित हुए, तो राम ने जवाब दिया, नाथ संवधन भंजन हारा होई है कोई एक दास तुम्हारा। राम कहते हैं कोई आपके दास ने तोड़ा होगा, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आप महात्मा आदमी क्यों इतना उलझ रहे। परशुराम भी तार्किक थे, विद्वान थे, महात्मा थे। परशुराम ने कहा अगर मेरा दास है तो उसे सेवा करना चाहिए, धनुष तोड़ने क्या जरूरत है। तो लक्ष्मण ने कहा कि विश्वामित्र को इशारा दिया कि मैं जाऊं इनको समझा दूं, क्योंकि राम बहुत सरल हैं, परशुराम थोड़ा कठिन हैं, परशुराम गर्म दिमाग के हैं, राम ठंडे दिमाग के हैं, मेल नहीं खाता, जोड़ा नहीं लगता, मैं भी गर्म मूड का हूं, वो भी गर्म मूड, मैं जाऊंगा तो एक मिनट में ठीक कर दूंगा। विश्वामित्र ने इशारा दिया कि राम तुम वापस आओ, दूसरा भेज रहा हूं बम विस्फोट, इससे भिड़ने दो। लक्ष्मण गया, राम का दिमाग ठंडा रहता है, लक्ष्मण का दिमाग गर्म ज्यादा रहता है, जोड़ा में, पति पत्नी के जोड़ा में भी एक ठंडा दूसरा गर्म रहेगा तो काम तो चल जाएगा, लेकिन दोनों अगर गर्म हो गए तो ज्वालामुखी भस्म हो जाएगा, और दोनों ठंडे रहे तो क्या आनंद है, फिर तो आइसक्रीम बन जाएगा। दोनों शांति शीतल। लक्ष्मण जाते हैं और कहते हैं कि परशुराम जी, बाबा जी, एक इस धनुष के टूटने से इतना नाराज क्यों हो रहे हैं, इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, ऐसी ऐसी धनु ही बचपन में मैंने न जाने कितने तोड़ दी, तब तुम गुस्सा नहीं हुए, अब एक धनुष टूट गया इतना खाम खा नाराज होता। तो जब धनु ही कहा तो परशुराम की आग लग गई कि शिव जी के धनुष को धनु ही कहता है और मेरे को कहता है कि धनुष पर ममता क्यों है, यही धनु पर ममता के ही है तू, और साधु का यह सबसे बड़ा अपमान है कि उसको ये कहना कि यहाँ तुम्हारी ममता क्यों है, क्योंकि साधु की अगर कहीं ममता है तो साधु कैसा है, साधु को मोह नहीं होता है, अगर मोह है तो वो साधु नहीं है, क्योंकि वो तो संसारियों की तरह मोह में फंसा हुआ है।
साधु तो उसका नाम है जो मोह से पार हो गया है, और जो मोह से पार हुआ है वही तुमको भी मोह से पार कर सकेगा, अन्यथा तुम मोह में डूबे रहोगे। और जब तक तुमको मोह से ऊपर नहीं उठा सकता है साधु, तब तक तुम दुख से पार नहीं हो पाओगे, क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला, जेहिते पुन उपजे बहु सोला। इसलिए संत अपने ज्ञान से मोह से ऊपर उठाता है। आजमगढ़ में एक सज्जन आए थे, कह रहे थे मेरा बेटा मर गया। तो मैंने उनको 5 मिनट समझाया तो उनका मोह थोड़ा कम किया। पहले 5 मिनट में उनके चेहरे का भाव बदल गया। अगर 1 घंटे का मुझे टाइम मिल जाता तो ऐसे तगड़े इंजेक्शन लगाता ज्ञान के, 1 घंटे में 6 महीने का दुख खत्म कर देता। क्योंकि संत उसी का नाम है जो अपने ज्ञान के इंजेक्शन के द्वारा संसार के करोड़ों जीवों के दुखों को मिटा देता है और उनको सुखी कर देता, वही संत होता है। दुखेश अनुद विघ्न मनः सुखेश विगत स्वरः, वीतराग भय क्रोध स्थित धीमनोच्यते। दुख के आने पर भी जो दुखी ना हो, सुख के आने पर भी जो हर्ष में फूले ना, जिसके अंदर कहीं भी राग ना हो, चिपकाव ना हो, आसक्ति ना हो, जो भय और क्रोध से अपने को बचा सके, उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, वही आत्मज्ञानी पुरुष होता है। आत्मज्ञान को भी प्राप्त करो, सारा दुख दूर हो जाएगा। तुम चैतन्य स्वरूप अमर आत्मा हो, अजर हो, अविनाशी हो, ज्ञान स्वरूप हो। जिनको अपना आत्मज्ञान नहीं है वो शरीरों में आकर्षित होते रहते हैं, विषयों में आकर्षित होते रहते, भोगों में आकर्षित होते रहते, काम क्रोध में जला करते हैं। और जिनको आत्मज्ञान हो जाता है अब उनको दुनिया की कोई चीज आकर्षित नहीं कर सकती है। और जो दुनिया की किसी चीज में आकर्षित नहीं होते हैं, याद रखना उन लोगों के दुखी होने का कोई उपाय नहीं रह जाता है, वे हमेशा सुखी ही रहा करते हैं। गुरु के चरणों में प्रेम कीजिए, मन लगा करके उनकी भक्ति कीजिए, उनसे नाम दान भी लीजिए, गुरु मंत्र भी लीजिए, अपने परिवार को भी तार दीजिए, स्वयं का उद्धार कीजिए और सबका बेड़ा पार कीजिए। क्या सुना रहा था मैं, कहां पर था बता? परशुराम। परशुराम नहीं बोलेंगे, क्योंकि तुम कुछ कम परशुराम नहीं हो, आप इसमें एक से एक परशुराम बैठे, बिना फरसा के ही फरफराते हैं। परशुराम, लक्ष्मण को देख करके परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता है। परशुराम कहते हैं रे नृपालक काल बस, ये बालक तू मेरे सामने से हट जा। तो लक्ष्मण ने कहा कि बाबा, जैसे किसी के सामने हिमालय खड़ा हो और कोई कहे कि हिमालय तू हट जा, तो हिमालय तो हट नहीं सकता है, लेकिन एक तरीका है, अपनी आंखें बंद कर लो तो हिमालय दिखाई नहीं देगा। तो बाबा मैं तो हटने वाला नहीं हूं, लेकिन तुम आंखें बंद करके देखो तो मैं हट जाऊंगा, दिखाई नहीं दूंगा। लक्ष्मण ने परशुराम को इशारा दिया है कि आंखें बंद करो, यानी अंतर्मुख होकर के ध्यान लगा कर देखो कि तुम्हारे सामने कौन आया है। परशुराम 1 मिनट आंखें बंद करते हैं, उनको ज्ञान हो जाता है कि पूर्णा अवतार राम का हो चुका है। हम मुझे क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है, अब क्षमा मांगना चाहिए। परशुराम क्षमा मांगते हैं। परशुराम ने जिंदगी में कभी क्षमा नहीं मांगा था, लेकिन आज परशुराम क्षमा मांगने जा रहे हैं। और क्षमा मांगने से अहंकार की मृत्यु हो जाती है,
और क्षमा मांगने से अहंकार की मृत्यु होती है और क्षमा करने से क्रोध की ज्वाला घुस जाती है। क्षमा वही कर सकता है जो अपने क्रोध को ठंडा कर सकता है और क्षमा वही मांग सकता है जो अपने अहंकार की चट्टान को तोड़ सकता है, वो दूसरों से क्षमा मांग सकता है। अहंकारी व्यक्ति क्षमा नहीं मांग सकता है। अहंकारी तो ये कहेगा सिर कट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं, लेकिन विनम्र व्यक्ति कहता है बिना जरूरत भी सिर झुका दूंगा, कोई बात नहीं। और सिर झुकाने से जो मिल सकता है सिर कटाने से भी नहीं मिल सकता है। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, चरणों में झुक जाने के बाद। झुकना सीखो, अपने माता पिता के पैर छुओ, सास ससुर के पैर छुओ, गुरु जी के पैर छुओ। पैर छूकर तो देखो जरा, वो मिलेगा जो दुनिया में कहीं नहीं मिला होगा। मैं जब अपने गुरु जी के पैर छूता हूँ तो मुझे लगता है गुरु जी के चरण छूते ही मैं चार्जिंग हो जाता हूँ। और कहीं बाहर जाओ तो अपने माता पिता के पैर छू करके जाओ, और जब बाहर से घर में आओ तो सबसे पहले उनके पैर छू करके तब कमरे में जाओ। अगर इतनी तुमने साधना सीख लिया है तो गृहस्थ आश्रम का 90% कले कलेश खत्म हो जाएगा और तुम्हारे घर में धन धान्य संपत्ति सब परिपूर्ण हो जाएगी। और माता पिता को भी कहूंगा 60 साल के बाद अपने आप को रिटायरमेंट समझ लेना, द्वारपाल समझ लेना, मालिक मत समझना। धीरे धीरे चाबियां छोड़ते चले जाना, कुछ पैसे अपने पास में रखना जरूरत के लिए, बाकी धीरे धीरे पैसे भी देते जाओ, क्योंकि अब आखिरी वक्त आ रहा है। ज़्यादा समय नहीं है, तुम्हारी मौत की ट्रेन छूटने वाली है, संसार से विदा होने वाले हो। अपने बेटे बहुओं को धन भी दो ताकि वे कुछ उन्नति करना चाहते हैं तो करना शुरू कर दें। सम्मुट्ठी में ही मत रखो, थोड़ा सा अपने पास में रखो ताकि उनसे बार बार मांगना ना पड़े। और बाकी उनको विकास करने का अवसर दीजिए, जिद मत कीजिए। बुजुर्ग हो तुम ज्यादा कम खा लीजिए, उनसे बात मत लड़ाइए, तर्क वितर्क मत कीजिए। अपने पिताजी की बात को काटने की कोशिश मत कीजिए, अपने पति की बात को काटने की प्रयत्न छोड़ दीजिए, क्योंकि जो लोग बदकट्टा स्वभाव के होते हैं उनके घर में प्रेम भी कट जाता है, और जिसके घर में एक दूसरे के प्रति प्रेम कट जाता है वहाँ पर सुख शांति भी कट जाती है। इसलिए बात को मत काटिए। पति की बात अगर जीत जाएगी तो पति की जीत पत्नी की जीत होती है, क्योंकि पत्नी अर्धांगिनी होती है। पति की हार में पत्नी की हार छिपी होती है और पति की जीत में पत्नी की जीत छिपी होती है। तो पति को जीत जाने दो, चिंता मत करो। लखनऊ हाई कोर्ट के वकील और उनकी पत्नी हमारे पास में सत्संग सुनने आए, तो 10 मिनट प्रवचन सुनने के बाद निवास पर मिले। तो जब मैं कुछ समझाता था तो वकील साहब अपनी पत्नी की ओर अंगुली देकर इशारा करते थे, देख सुन ले, समझ ले, तू ठीक से समझ। तो उनकी पत्नी ने एक बार सह लिया, दो बार सह लिया, तीन बार सह लिया, तो उसने चौथी बार कहा कि मेरी तरफ उंगुली उठाकर इशारा मत दीजिए, तुम भी सुन रहे हो, हम भी सुन रहे हैं। अब बात तो यह है कि हम कितना जीवन में उतारते हैं, तुम कितना उतारते हो। अब ये वकालतबाजी तो घर में हो ही चुकी है, घर तो कोर्ट बन गया, हाई कोर्ट घर हमारा है। गुरुदेव में बेपढ़ी लिखी हूँ, ये पढ़े लिखे हाई कोर्ट के वकील हैं, लेकिन इन्होंने हमको बहुत बड़ा बैरिस्टर बना दिया। अब ये बहुत बदकट्टा रहे तो हम भिड़े ला के इनसे का करें। लेकिन आज मैंने संकल्प ले लिया कि अब नहीं भिड़ूंगी। अब ये फिर अंगुली पहुंचते इधर की, सुन ले ठीक से। वो बोली कि पूरा हमका मूर्ख ही समझा था। तो मैंने कहा वकील साहब आप में कमी है, गुरु का स्थान एक ऐसा स्थान है जहां पर सबको शांति से सुनना चाहिए। वाइफ को भी सुनने दो, आप भी सुनो और खुद में बदलाव लाइए।
दूसरों को बदलना चाहते हो तो स्वयं को पहले बदल लीजिए। मैं एक फार्मूला आपको बताता हूं, अगर तुम चाहते हो कि दूसरे लोग सहनशील बने तो तुम पहले सहनशील बन जाओ, फिर बिना सोचे वो सहनशील सब बनेंगे। घर में चाहते हो कि सफाई रहे तो स्वयं झाड़ू पकड़ लो, सफाई शुरू कर दो और सेटिंग करो घर की। और जो लोग अपने घर को साफ करते हैं, महिलाएं घर को रगड़ रगड़ के फर्श को चिकना बनाती हैं, बर्तनों को धोकर साफ करके पोंछ करके रखती हैं, जिस घर की स्त्रियां शुद्ध पवित्रता से भोजन बनाती हैं, जिस घर के पुरुष अपनी गाड़ी आदि धो करके साफ करके खड़ी करते हैं, कितने लोग गाड़ी चलाना जानते पर धोना जानते ही नहीं, कितने लोग गाड़ी में बैठकर गाड़ी में ही पुड़िया खाकर थूक देते हैं, उनसे कोई कहता है इसमें क्यों थूकते, तो कहते किसी के बाप की गाड़ी है, तो पूछो किसकी है, तो कहते मेरी गाड़ी है, तो क्या इसमें लेटरिन करोगे, बोले हम जो मन होगा वो करेंगे, तो इसको आग में जला दो, कोम गिरा दो, क्या फर्क पड़ता है, मूर्ख आदमी हो। अपनी गाड़ी को भी साफ सुथरा रखो, पान पुड़िया तंबाकू खाना बिल्कुल छोड़ दो, एक पैसे का दुरुपयोग मत करो, अच्छा सा अच्छा मकान बनाइए, पैसा बचा करके गुरुदेव को बुलाकर सत्संग कराइए, हजारों लोगों का कल्याण होगा। ये पुड़िया खाकर थूक दोगे इससे किसका कल्याण होने वाला है? पैसा कमाना बहुत बड़ी बहादुरी का काम नहीं है, पैसा बचाना ये बहादुरी का काम है, और बचे हुए पैसे से सत्संग कराना ये वीर बहादुर का काम है।